नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और आज की पहली बड़ी खबर है इजराइल हमले पर तेहरान में बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। दूसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने बैठक बुलाई है। तीसरी खबर, बैठक में सेना प्रमुख समेत कई बड़े कमांडर शामिल। और चौथी बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान जवाबी कार्रवाई पर कर रहा है मंथन। साथ ही आज की एक और अहम खबर यह कि सेना को हमले के लिए तैयार रहने का अलर्ट है। तो ईरान इजराइल के उस हमले का प्रतिशोध लेने की प्लानिंग कर रहा है जिससे ईरान के तीन प्रांत बुरी तरह से दहल गए। लेकिन जिस वक्त ईरान में इजराइल के हमले हो रहे थे, जिस वक्त ईरान के शहर दहल रहे थे, ठीक उसी वक्त उत्तरी इजराइल में जलजला आया। भूकंप से इजराइल की धरती कांप उठी। और अब सवाल यह है कि ईरान में आईडीएफ के हमले के वक्त ही इजराइल में जोरदार भूकंप क्यों आया? क्या ईरान में हमले की आड़ में इजराइल ने परमाणु परीक्षण कर लिया है? आखिर इस भूकंप के पीछे का सच क्या है? आधी रात को तेहरान समेत ईरान के कई शहर मिसाइल ब्लास्ट से दहल गए। इजराइल ने ईरान से उस हमले का बदला ले लिया जो ईरान ने 1 अक्टूबर को किया था। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम बेस, मिसाइल सेंटर, ड्रोन ठिकाने और आईआरजीसी के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। छब्बीस अक्टूबर 2024, इसी तारीख को इजरायल ने ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले किए। छब्बीस अक्टूबर 2024, इसी दिन उत्तरी इसराइल में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इसराइल के बड़े भूभाग में भूकंप का अलर्ट उसी वक्त जारी हुआ जब इजरायली सेना ईरान में हवाई हमले कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इसराइल में भूकंप अलर्ट के 500 से ज्यादा सायरन बजे। इस मैप को देखिए, ये जो लाल रंग के निशान दिख रहे हैं, इस पूरे इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी पूरे उत्तरी इजराइल में भूकंप के अलर्ट का सायरन बजा। अब सवाल यही है कि आखिर पूरे उत्तरी इजराइल में भूकंप के तेज झटके क्यों महसूस हुए? इजराइल में भूकंप का अलर्ट क्यों जारी हुआ? क्या ईरान में इजराइल का यह हमला सिर्फ धोखा था? क्या इजराइल ने हमले के पीछे परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या एटमी टेस्ट की वजह से ही इजराइल की धरती पूरी तरह से कांप उठी? क्या 500 अलर्ट सायरन बजने का कारण परमाणु परीक्षण था? इस भूकंप और इस भूकंप के बारे में इजराइल के कई तरह के बयान ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआब गैलेंट ने कहा है कि इजराइल पर हिजबुल्ला ने बड़ा हमला किया जिसकी वजह से भूकंप आया। लेकिन सच यह है कि इजराइल में हिजबुल्ला का हमला इतना बड़ा नहीं था कि जिससे भूकंप आ जाए।
उधर आईडीएफ चीफ हर्जी हालेवी ने दूसरा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क को ध्वस्त किया, इस वजह से उत्तरी इसराइल में झटके महसूस किए गए। आईडीएफ दक्षिणी लेबनान में किए गए इस बड़े ब्लास्ट को भूकंप का कारण बता रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्ला के टनल नेटवर्क, जिसमें बारूद का बड़ा जखीरा रखा था, उसे उड़ा दिया। इसी धमाके की वजह से उत्तरी इजरायल की धरती कांप उठी। कुछ देर बाद इजरायल की तरफ से भूकंप को लेकर तीन और बयान आए, लेकिन तीनों अलग अलग। इसराइल ने कहा कि अलर्ट भूकंप की वार्निंग सिस्टम खराब होने से जारी हुआ। फिर कहा गया कि भूकंप की वार्निंग सिस्टम का टेस्ट किया गया, इसलिए ऐसा हुआ। आखिर में इसराइल ने कहा कि भूकंप आया ही नहीं, ये महज अफवाह है। मतलब ये कि एक भूकंप और अनेक बयान। इसराइल के इन्हीं अलग अलग बयानों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसराइल ने ईरान पर हमले के पीछे परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या इसराइल ने सिर्फ दुनिया का ध्यान बटाने के लिए ईरान पर हमला किया और उसका असल मकसद परमाणु टेस्ट था? इसराइल पर इस बात का शक इसलिए गहरा गया है क्योंकि ईरान पर आईडीएफ का हमला और इसराइल में भूकंप एक ही समय पर आया। इसराइल के हमले से ईरान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, भूकंप को लेकर इसराइल ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। इन्हीं वजहों से कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि संभव है कि इसराइल ने हमले की आड़ में एटमी टेस्ट किया हो। तो भूकंप की वजह से इसराइल पर परमाणु परीक्षण करने का शक है। इसराइल पर छोटे परमाणु बम के परीक्षण का शक गहरा गया है। आशंका है कि शायद इसराइल ने शहर तबाह करने वाला बम बनाया हो। ईरान की राजधानी तेहरान की तबाही के लिए बम बनाने की आशंका है। 100 किलो टन का एटमी बम के परीक्षण करने का शक है। अब अगर इसराइल ने 100 किलो टन के एटमी बम का टेस्ट किया है, अगर इससे तेहरान पर हमला करता है तो ईरान में कैसे तबाही हो सकती है, अब ये समझ लीजिए। 100 किलो टन के एटमी बम से हमले से एक वर्ग किलोमीटर के इलाके में एटमी धमाका होगा। 3 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कंक्रीट की इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा, जिससे बड़ी तबाही होगी। अगर तेहरान में 100 किलो टन के एटमी बम से ब्लास्ट होगा तो 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे और इतना ही नहीं 8 लाख लोग घायल हो सकते हैं। इसराइल पर शक गहरा गया है क्योंकि सवाल कई हैं जिसके जवाब नहीं मिले। इसी शक, सवाल और आशंका के आधार पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि इसराइल ने हमले की आड़ में परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि इस बारे में इसराइल ने कुछ नहीं कहा है। इसराइल ने परमाणु परीक्षण किया है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इसराइल को आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न देश नहीं माना जाता है। इसराइल ने अब तक ये बात स्वीकार नहीं की है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसराइल बहुत पहले से ही परमाणु संपन्न है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास 80 परमाणु हथियार हैं। इसराइल के पास फिलहाल 300 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की क्षमता है। अब भूकंप के झटके के बाद कई रक्षा विशेषज्ञ इस बात की आशंका जता रहे हैं कि शायद इसराइल ने छोटे परमाणु बम का टेस्ट किया हो। एक ऐसा बम जो तेहरान जैसे किसी एक शहर को तबाह करने में सक्षम हो। परमाणु टेस्ट की थ्योरी को हवा देने वाले लोग इसके पीछे एक और तर्क दे रहे हैं।
ऐसे लोगों का दावा है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इसराइल ईरान पर बड़ा हमला करे, लेकिन इसराइल अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में शक है कि इसराइल और अमेरिका में डील हुई हो। आशंका है कि इसराइल ईरान में बड़ा हमला नहीं करने पर तभी राजी हुआ हो जब अमेरिका ने उसे परमाणु परीक्षण की अनुमति दी। इसराइल ने परमाणु परीक्षण किया या नहीं, इसका सच तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल यह है कि इसराइल एक बड़े इलाके में भूकंप के अलर्ट पर एक बयान क्यों नहीं दे रहा है। क्या इसराइल अलग अलग बयान देकर दुनिया से कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश कर रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए दुनिया को इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। लेबनान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है, जो जानकारी मिल रही है कि विस्फोटक तस्वीरें, भीषण तबाही बर्बादी की तस्वीरें आ गई हैं सामने। लेबनान ने विस्फोट को इजरायली बमबारी बताया है। हिज्ब के हथियार गोदाम में विस्फोट कराया गया है। आईडीएफ ने कहा है विस्फोट से सैकड़ों फीट तक धुआं उठता नजर आया और बहुत बर्बादी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से जिस तरह के हमले की आशंका थी वो सच साबित हुई। इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए 25 दिनों के बाद जबरदस्त प्रहार कर चुका है। इजराइल के मिशन को कामयाब बनाने के लिए 100 विमानों ने टेक ऑफ किया और दो अलग अलग दिशाओं से ईरान पर मिसाइल का हमला किया गया। ईरान भी ऐसे हमले के लिए पहले से तैयार था, इसीलिए एयर डिफेंस ने इजराइल के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। कितना नुकसान हुआ ईरान ये बता नहीं रहा है, लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए। इसराइल ने इस हमले की प्लानिंग कैसे की और कैसे इसे अंजाम दिया, हम आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। समय रात 2:15 बजे। ईरान के आसमान में रह रहकर धमाकों की रोशनी हो रही थी। ईरान की सुरक्षा में तैनात तमाम एयर डिफेंस से मिसाइलें दागी जा रही थी। हमलों का ऐसा सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। बस कुछ देर का विराम जरूर था। 3 घंटे तक ईरान पर 3 चरणों में हमला हुआ। ईरान पर इसराइल के ऐसे हमले की आशंका तो इस महीने की शुरुआत से ही थी, लेकिन 25 दिनों तक इसराइल ने सब्र रखा, प्लानिंग की और फिर बदले का एक्शन पूरा हुआ। इसराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया Days of Repentance। यहूदियों के लिए 10 दिन का एक खास समय है। इस दौरान यहूदी धर्म को मानने वाले अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करते हैं। इसराइल का हमला ईरान के 1 अक्टूबर के हमले का बदला था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम पश्चाताप शब्द से जोड़कर रखा गया, यानी ईरान अपने किए पर पछतावा करे। इस ऑपरेशन की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया गया शुक्रवार की रात। रात 10 बजे से ही इसराइल के कई एयरबेस पर तैयारी शुरू हो गई थी। फाइटर जेट्स का फाइनल चेकअप शुरू हो गया था। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बैठक बुलाई। सिक्योरिटी कैबिनेट के नेताओं के साथ बैठक हुई। इसराइल के बड़े सैन्य अफसर वॉर रूम में पहुंच चुके थे। रात 12 बजे तक सबकी सहमति से यह फाइनल हो गया कि ऑपरेशन आज रात ही होगा और हमले की तैयारी शुरू हो गई।
रात 12:10 पर सबसे पहले कई एयरबेस से ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके बाद रात 1 इसराइल के एयरबेस से फाइटर जेट और कई दूसरे विमानों का टेक ऑफ शुरू हुआ। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हारजी हालेवी वॉर रूम से ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। एयरफोर्स के एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। इस दौरान एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल तोमेर बार भी आईडीएफ चीफ के साथ मौजूद रहे। ईरान और इसराइल के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, इसलिए हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। जॉर्डन और सीरिया के आसमान के रास्ते कई फाइटर जेट्स ने ईरान की तरफ उड़ान भरी। इसराइल ने हमले से पहले ईरान को चेतावनी दी थी। ईरान को पलटवार का गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। ईरान की सेना को पहले ही इसराइल के हमले की जानकारी मिल गई थी। इसराइल ने सीक्रेट तरीके से नहीं बल्कि ईरान को बताकर हमला किया। यही वजह है कि एयर डिफेंस अलर्ट थे और ईरान ने पलटवार की जगह सेल्फ डिफेंस करना शुरू किया। इसराइल के हमलों के दौरान आसमान में इसराइल की एयर टू सरफेस मिसाइल और ईरान में मौजूद एयर डिफेंस की मिसाइलों के बीच महासंग्राम दिखा। इसराइल के अलग अलग एयरबेस से F-35, F-16 और F-15 जैसे विमानों ने टेक ऑफ किया। इनके साथ हवा में ईंधन भरने वाले जहाज भी थे। सर्विलांस विमान पूरे रूट की निगरानी कर रहा था। कुल 100 विमानों का इस्तेमाल ईरान ने किया है। इन्हें 2000 किलोमीटर दूर तक जाना था, इसीलिए इसराइल ने हवाई हमले के लिए जरूरी सभी तरह के विमानों का इस्तेमाल किया है। ईरान पर हमले के लिए इसराइल ने 2 रूट का इस्तेमाल किया। इसराइल के कुछ विमान सीरिया के ऊपर से होते हुए ईरान की तरफ गए और ईरान पर मिसाइल दागकर वापस लौटे। वहीं इसराइल के कुछ विमानों ने जॉर्डन के ऊपर से उड़ान भरी और ये विमान सऊदी अरब की हवाई सीमा में पहुंचे और वहां से ईरान पर मिसाइलों से हमला किया। ईरान पर 3 चरणों में हमला किया गया। पहले चरण में ड्रोन से हमला हुआ जिसके टारगेट पर ईरान के एयर डिफेंस थे। एयर डिफेंस की लोकेशन मिलने के बाद दूसरे चरण में फाइटर जेट से मिसाइल हमला किया गया और ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया गया। तीसरे चरण में फाइटर जेट से ईरान के ड्रोन बेस और मिसाइल बेस पर हमला किया गया। इसराइल ने ईरान पर हमले के अंदेशे को सच तो साबित कर दिया, लेकिन ईरान के जिन ठिकानों पर हमले की उम्मीद थी वहां इसराइल का हमला नहीं हुआ। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के किसी न्यूक्लियर साइट को टारगेट नहीं किया गया। ईरान के किसी तेल ठिकाने को भी निशाना नहीं बनाया गया। ईरान में सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। क्या ये सब अमेरिका के दबाव की वजह से हुआ या फिर इसराइल नहीं चाहता था कि ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो कि ये हमला एक बड़े युद्ध में बदल जाए? इसराइल के अटैक प्लान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसराइल ने ईरान को हमले की जानकारी क्यों दी? इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों नहीं किया? इसराइल का इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ 3 क्यों चला? वाकई जिस हमले के लिए 25 दिन का वक्त लिया गया वो सिर्फ 3 में खत्म हो गया, वो भी किसी बहुत बड़े अंजाम के। माना जा रहा है कि इसराइल ने इस हमले से ईरान और खुद को टेस्ट किया है। दावा है कि इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को परखा है। इसराइल ने ईरान की तैयारियों की जांच की है। इसराइल ने अपनी वायुसेना की ताकत का टेस्ट किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले से इसराइल की वायुसेना ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करने का अभ्यास किया है। यही वजह है कि इस दौरान बम और मिसाइल से लैस अलग अलग फाइटर जेट्स को भेजा गया। हवा में विमानों में ईंधन भी भरा गया और सऊदी अरब की एयर स्पेस में जाकर सऊदी के रुख को भी परखा गया। सऊदी अरब ने हमले की निंदा की है, एयर स्पेस के इस्तेमाल पर विरोध जताया है।
ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इसराइल के मकसद को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। माना जा रहा है कि यह रिहर्सल था और ईरान पर बड़ा हमला बाद में होगा। इसराइल पहले ईरान की प्रतिक्रिया को देखेगा। कुछ रिपोर्ट में दावा है कि इसराइल ने ईरान को उकसाने के लिए हमला किया है ताकि ईरान पलटवार करे और उसके बाद इसराइल युद्ध का ऐलान करके ईरान को सबक सिखा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान पर इजरायली हमले का ये अपडेट। इजरायल ने सीरिया इराक के डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। ईरान पर हमले से पहले सीरिया इराक में बमबारी कर चुका है। डिफेंस सिस्टम उड़ाकर ईरान का रास्ता साफ उसने किया है। इसराइल की कोशिश ईरान में दहशत पैदा करने की थी। कोशिश थी अपनी ताकत का विध्वंसक ट्रेलर देने की, लेकिन इसराइली प्रतिशोध के बाद बाजी पलट चुकी है। इस वक्त दुनिया भर में ईरानी डिफेंस सिस्टम की चर्चा है। दुनिया ईरान के डिफेंस सिस्टम की क्षमता देखकर हैरान है। रिपोर्ट्स में दावा है कि सभी हमले ईरान के बाबर एयर डिफेंस सिस्टम से रोके गए हैं। हालांकि इसराइल का मानना है कि इसके पीछे ईरान का कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम। सवाल है कि ईरानी डिफेंस सिस्टम की मिस्ट्री क्या है? क्या वाकई इजराइल के पास इसका कोई जवाब नहीं है? इस रिपोर्ट में देखिए। जिसकी उम्मीद थी बीती रात वही हुआ। इसराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया, लेकिन हमलों के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। IDF के हमलों के बाद ईरान के आसमान में एक के बाद एक धमाके होने लगे, लेकिन एक बार की ऐसा लगा मानो ये हमले नहीं बल्कि ईरान जीत की खुशी में आतिशबाजी कर रहा हो। इसराइल ने जिस बारूद को ईरानी शहरों और उसके मिलिट्री बेस को दहलाने के लिए दागा था वो हवा में ही राख बन गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने करिश्मा दिखाते हुए इसराइल के हमलों को पलक झपकते ही बड़े आराम से नाकाम कर दिया। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने बयान जारी करते हुए कहा, इसराइल ने तेहरान, खुजिस्तान और ईलम प्रांतों को निशाना बनाया। यहां मौजूद सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमले किए। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इसराइली हमलों को असफल कर दिया। सिर्फ कुछ जगहों पर बहुत सीमित क्षति हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इसराइल के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में ईरान 95% तक सफल रहा, जिसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। दावा है कि ये इसराइल के पहले चरण के हमले के बाद आया वीडियो है जिसमें ड्रोन दागे गए थे, लेकिन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ये वीडियो भी तेहरान का है। ये दूसरे चरण के हमलों के बाद का वीडियो है जिसमें इसराइल ने मिसाइलों से प्रहार किया, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये सेंट्रल तेहरान का वीडियो है। यहां भी एक के बाद एक आसमान में धमाके देखे गए। दरअसल बीती रात हुए हमलों में ईरान की राजधानी तेहरान इसराइल का मेन टारगेट थी। IDF ने इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए, 3 IRGC के मिसाइल बेस को टारगेट करने की कोशिश की। तेहरान के पास परचिन में मौजूद सीक्रेट मिलिट्री बेस को दहलाने की कोशिश की। दावा है कि सिर्फ एक ड्रोन सीक्रेट मिलिट्री बेस को हिट करने में कामयाब रहा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने बाकी सभी हमलों को रोक दिया।
हालांकि इस बीच कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनमें दावा है कि हमलों को रोकने के लिए ईरान को अपने सबसे एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पंखशीर का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा। बल्कि ईरान के किसी सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया। ऐसे में सवाल है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने बड़ी आसानी से इसराइल के इतने बड़े हमले को धुआं कर दिया। यह इसराइल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। हालांकि ईरान से आ रही कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स की माने तो इन हमलों को नाकाम करने के पीछे ईरान का बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। जिसने सुरक्षा के मामले में S-400 तक को पीछे छोड़ दिया। दरअसल ईरान ने अपनी सुरक्षा में 5 लेयर का मजबूत घेरा तैयार किया हुआ है। पहली लेयर में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। दूसरी लेयर में भी रूस से मिले S-300 डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। ईरान की सुरक्षा के लिए तीसरे घेरे में रूस का पंचशीर मिसाइल डिफेंस मौजूद है और इसके बाद ईरान के स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। इसका नाम खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम है। पांचवी और अंतिम लेयर में बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। बावर भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इसराइल ने जब पहले चरण में ईरान पर ड्रोन अटैक किया तब बावर एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले एक्टिव हो गया और उसने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम से पहले ड्रोन को ट्रेस कर उसे तबाह कर दिया। ठीक इसी तरह दूसरे और तीसरे चरण के हमलों में भी बावर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रंट फुट पर था और उसने इजरायली फाइटर जेट से निकलती मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। दावा है कि बावर एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इजरायली हमला नाकाम रहा, जिसके सबूत भी ईरान से सामने आने लगे हैं। ये उस वक्त का वीडियो है जब आसमान में धमाके हो रहे थे। वीडियो में ब्लास्ट की आवाजें सुनी जा सकती हैं, लेकिन सड़क पर मौजूद गाड़ियां बेहद इत्मीनान से जा रही हैं। ये हमलों के बाद का वीडियो है। तेहरान के सिपा स्क्वायर पर गाड़ी बेहद आराम से गुजर रही है, मानो शहर में कुछ हुआ ही नहीं। अब तेहरान से आई आज सुबह की तस्वीर भी देख लीजिए, इसमें सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। दूर दूर तक तबाही तो छोड़िए, धुएं तक का निशान नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो इस शांति की वजह ईरान का बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल का मानना है कि ईरान को उसके मित्र देशों से कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम मिला है और उसकी इस थ्योरी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इसराइल ने ईरान पर पहला हमला ड्रोन से किया था ताकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन मालूम की जा सके और दूसरे चरण के हमलों में वो उन्हें तबाह कर सके। लेकिन ड्रोन को ईरान ने कई किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से एयर डिफेंस की लोकेशन लीक नहीं हुई। अब इसराइल का मानना है कि उसे चीन या रूस से कोई सीक्रेट एयर डिफेंस हथियार मिला है, जिसके दम पर उसने IDF के प्लान को नाकाम कर दिया। दरअसल इसराइल का इशारा चीन और रूस की तरफ है। इसराइल को शक है कि ईरान हमलों से पहले ही पुतिन या जिनपिंग ने ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बना ली थी और उसे कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। बहरहाल अब सच चाहे जो हो, लेकिन ईरान के दावों और वहां से आई तस्वीरों तो यही कहती हैं कि इसराइल का हमला फेल रहा
और इस वक्त उसके सामने ईरान की एक ऐसी डिफेंस दीवार है जिसे भेद पाना उसके लिए बेहद मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है ईरान पर इजरायली हमले से जुड़ी हुई। ईरानी डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने का दावा किया गया है। इजरायल का S-300 ध्वस्त करने का दावा है। हमले में 2 ईरानी सैनिकों की जान गई है। और अब देखिए इजरायल ने ईरान में कहां कहां हमला किया और इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ। इतना बड़ा हमला हुआ फिर भी इजरायल ने ईरान के एक भी तेल डिपो और एटमी सेंटर के आसपास हमला क्यों नहीं किया। एक सवाल यह भी है कि क्या ईरान के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन पूरा हो गया है या यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर था और इजरायल के फाइटर जेट सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस की ताकत को तोलने के लिए 2000 किलोमीटर दूर आए थे। क्या आज रात ईरान पर इजरायल सबसे बड़ा हमला करने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। रात 2:15 बजे इसराइल से 100 फाइटर जेट्स ईरान की तरफ उड़े। इसराइल के फाइटर जेट्स में सबसे आगे थे हेलफायर मिसाइल और MK-84 जैसे विनाशक बमों से लैस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में शामिल F-35। इसराइल के फाइटर जेट्स को करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइलों की बारिश करने का स्पष्ट आदेश था लेकिन इसराइल से निकलते ही फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइल और ईरान के बीच इसराइल का एक और दुश्मन सीरिया का एयर स्पेस था। ईरान को इसराइल के हवाई हमलों की सटीक जानकारी नहीं मिल पाई इसलिए इसराइल के फाइटर जेट्स ने सबसे पहले सीरिया के रडार ठिकानों को ही ध्वस्त कर दिया। सीरिया के रडार ठिकाने तबाह करने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया। इसराइल के फाइटर जेट्स ने एक साथ ईरान के 3 प्रांतों की 20 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल और बम बरसा दिए। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गई। तेहरान और कारत शहर में ईरान के सुसाइड ड्रोन डिपो को चुन चुन कर खाक किया गया। तेहरान के सैन्य ठिकानों पर इसराइल के बम गिरे। इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल विस्फोट हुआ और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान हुआ। करीब 3 घंटे तक इसराइल के फाइटर जेट्स ईरान में ढूंढ ढूंढ कर मिसाइल ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम के डिपो और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सैन्य ठिकानों को तबाह करते रहे। अमेरिका और इसराइल के अधिकारियों ने दावा किया है कि इसराइल ने 3 घंटे में 3 स्तर पर अटैक किया। हमले की पहली लहर में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया। हमले की दूसरी लहर में तेहरान के यफ्ताबाद में सनाई खानी फैसिलिटी पर हमला करके मिसाइल और ड्रोन गोदाम और फैक्ट्री को तबाह किया। हमले की तीसरी लहर में दक्षिण पश्चिम के खुजिस्तान प्रांत को निशाना बनाया और ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल उत्पादन क्षमताओं पर हमला किया गया।
जिस वक्त तेहरान के एक सैन्य बेस पर इसराइल की मिसाइल वर्षा हो रही थी, तब चीन के एक रिपोर्टर ने होटल की बालकनी में खड़े होकर इसराइल की मिसाइलों के साथ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की टक्कर को कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब देखिए, बीती रात इसराइल ने ईरान में कहां कहां हमला किया और इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान को कितना नुकसान हुआ है। इसराइल ने ईरान के तेहरान, खुजस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके अलावा मशहद, याफ्ताबाद, कोम, कुद्स, असलम शहर, मह शहर, अबादान, असदाबाद, कोरवे में मौजूद मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस सिस्टम के काम आने वाली मिसाइलों के गोदामों पर टारगेटेड हमला हुआ। इसराइल की सेना ने दावा किया है कि यह हमला सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया गया था और इसराइल का काम पूरा हो गया है। एक तरफ इसराइल ने दावा किया है कि उनका हमला पूरी तरह सफल रहा है और उन्होंने ईरान के उन मिसाइल डिपो को पूरी तरह तबाह कर दिया है जहां से 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। लेकिन ईरान का कहना है कि इसराइल के हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरानी सेना के मुताबिक इसराइल के हवाई हमले में 2 सैनिक मारे गए हैं। इसराइल ने ईरान के 3 प्रांतों में 20 से ज्यादा जगहों पर हमला किया, पर एक भी तेल डिपो या एटमी सेंटर को निशाना नहीं बनाया। माना जा रहा है कि इसराइल ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया। जिस वक्त इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, तब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व के दौरे के बाद अमेरिका वापस जा रहे थे। एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से कहा था कि युद्ध बढ़ने से रोकने के लिए ईरान के तेल और एटमी सेंटर को हमले के दायरे से बाहर रखें। एक थ्योरी ये भी है कि अभी इसराइल का बदला पूरा नहीं हुआ है। इसराइल ने यह हमला सिर्फ ईरान की एयर डिफेंस की ताकत जांचने के लिए किया था। अंदेशा ये है कि आज रात या आने वाले कुछ दिनों में नेतन्याहू ईरान दहन कर सकते हैं। ईरान पर अब और बड़ा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, पाक के वजीरिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। पुलिस चेक पोस्ट पर अलगाववादियों का यह हमला है। हमले में 8 पुलिस कर्मियों की जान चली गई है। पुलिस चेक पोस्ट भी जलकर खाक हो गई है। क्या आज रात ईरान इसराइल पर पलटवार करने जा रहा है? क्या आधी रात ईरान इसराइल से हमले का बदला लेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इसराइल को डर है कि क्रोधित ईरान इसराइल पर फिर से हमला कर सकता है। हमले को लेकर खामेनेई ने तेहरान में बड़ी बैठक भी की है। तो सवाल यही है कि अगर ईरान इसराइल पर पलटवार करता है तो ये हमला कैसा होगा? एक लीक हुई रिपोर्ट से ईरान के खतरनाक प्लान की जानकारी सामने आई है। इसराइल ने ईरान में बड़े हमले को अंजाम दे दिया। इसराइल सेना का दावा है कि उसका हमला सफल रहा। ईरान में उसने 20 टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इसराइली हमले से क्रोधित ईरान आधी रात को इसराइल पर वज्रपात कर सकता है। ईरान इस हमले का विध्वंसक बदला लेने जा रहा है। इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरानी सेना ने किया है। इसराइल के हमले के तुरंत बाद ईरानी सेना ने कहा कि ईरान को हमले का जवाब देने का अधिकार है। ईरानी सेना इसराइल में पलटवार के लिए तैयार है।
इसराइल और अमेरिका को भी इस बात का डर है कि ईरान विध्वंसक पलटवार करेगा। यही वजह है कि ईरान में हमले से पहले ही आईडीएफ ने ईरान को चेतावनी जारी कर दी थी कि वो पलटवार करने का दुस्साहस न करे, वरना इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। ईरान को पहले से ही पता था कि इसराइल हमला करेगा, लिहाजा 25 दिनों में ईरान ने भी काउंटर अटैक की तैयारी कर ली थी। अब ईरान का पलटवार तय माना जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर ईरान का काउंटर अटैक कैसे होगा। ईरानी पलटवार का जो ब्लूप्रिंट लीक हुआ है उसके मुताबिक आईआरजीसी सूत्रों के मुताबिक 1000-1000 मिसाइलों से 5 राउंड हमले की तैयारी है, यानी इसराइल में कुछ ही घंटों में 5000 मिसाइल फायर की जाएंगी। ईरान ने इसके लिए एक ही ट्रिगर से 1000 मिसाइल फायर करने वाले लॉन्च सिस्टम को रेडी कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इसराइल पर खैबर शिकन 2 जैसी उन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा जो अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। आईआरजीसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ थार्ड को चकमा देने वाली मिसाइलें निकाल ली हैं, बल्कि इसराइल के आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने वाली मिसाइलों को लॉन्च साइट पर लोड कर दिया है। मिसाइलों के साथ ईरानी सेना ड्रोन से भी प्रहार कर सकती है। इसके साथ ही ईरान इसराइल पर साइबर अटैक को भी अंजाम दे सकता है ताकि इसराइली डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया जा सके और इससे उसके ज्यादातर हमले सफल हो जाएं। ईरानी प्लान के मुताबिक इजरायली हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन फायर करेगी। ठीक उसी वक्त इजरायली डिफेंस को चकमा देने के लिए ईरान दक्षिण से होती सीरिया और लेबनान से हिजबुल्ला, इराक और सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, गाजा से हमास जैसे संगठनों से एक साथ हमला करवाएगा। हालांकि कुछ ईरानी अफसरों का यह भी कहना है कि ईरान का हमला उसी अनुपात में होगा जैसा इसराइल ने किया है। ऐसा हुआ तो ईरान इसराइल के आधा दर्जन सैन्य बेस को निशाना बना सकता है। हाइफा नेवल बेस, अशदोद नेवल बेस, इलाद नेवल बेस, रमत डेविड एयर बेस, स्तोद मिचा एयर बेस, कैंप राबिन बेस और नहाल बेस ईरान के टारगेट पर इसराइल के यही ठिकाने हैं। ईरानी सेना यहीं पर धमाके कर सकती है। ईरान की तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका इसराइल की मदद करेगा। मदद के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-16 और F-35 की नई स्क्वाड्रन भेज दी है ताकि इसराइल को ईरान के हमले से बचाया जा सके। अमेरिका ने ईरान के हमले को रोकने के लिए इसराइल में एक और थार्ड की तैनाती कर दी है। अमेरिका का ये एयर डिफेंस ईरान पर हमले से ठीक पहले ही इसराइल पहुंचा। जाहिर है अगर ईरान ने पलटवार किया तो जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इसराइल के हमले के बाद ईरान की फिक्र और बढ़ गई है। पहले माना जा रहा था कि इसराइल ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा जिसका अंजाम एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि इसराइल ने सिर्फ जंग का अभ्यास किया है, अब ईरान को मुसीबत में डालने के लिए सीक्रेट तरीके से हमले होंगे। ईरान को कमजोर करने के लिए ईरान के ताकतवर और बड़े पदों पर बैठे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान में सभी VVIP की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। क्या क्या धमकी नहीं दी थी ईरान ने, अगर हमला हुआ तो मिसाइल की बरसात कर देंगे, इसराइल को चंद मिनटों में बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब इसराइल ने हमला किया भी और उस हमले के कई घंटे बीत भी चुके हैं, लेकिन अब तक
ईरान की तरफ से एक भी जवाबी हमला नहीं हुआ है। ईरान की मिसाइल का जखीरा लॉन्च पॉइंट पर ही है। ईरान ने इसराइल की चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हमले के बाद सबसे पहले खमनेई के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खमनेई के घर के करीब एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। ऐसा इसलिए कि ईरान इसराइल के हमले के तरीकों को बखूबी समझता है। ईरान को अंदेशा है कि अब इसराइल खास ऑपरेशन चला सकता है। इसराइल में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो सकती है। बड़े नेताओं को मारकर ईरान को कमजोर किया जा सकता है। पिछले दिनों इस्माइल हानिया, नसरल्ला और सिनवार को मारकर इसराइल साबित कर चुका है कि इसराइल अपने दुश्मन के नेताओं को सबसे पहले टारगेट करता है। ईरान के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। खामनेई नहीं तो अहम पदों पर बैठे लोगों को मारकर ईरान से इंतकाम लिया जा सकता है। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, इसलिए माना जा रहा है कि आईआरजीसी चीफ हुसैन सलामी इसराइल के टारगेट पर टॉप पर हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर बनाना भी इसराइल के मिशन का हिस्सा है, इसलिए परमाणु मिशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी को भी इजरायली एजेंट खत्म कर सकते हैं। कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल कानी की हत्या की कोशिश तो इसराइल बहुत पहले से कर रहा है। नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के सीईओ हामिद बुर्द भी इसराइल के टारगेट पर हो सकते हैं। ब्रिगेडियर जनरल सैयद मेहदी फराही डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन के एमडी हैं। इसके अलावा ईरान की खुफिया इकाई के प्रमुख इस्माइल खातिब को मारने की साजिश तैयार करने का दावा है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमय मौत के बाद से ईरान सतर्क है और खामनेई समेत तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसराइल ने हमला करके 1 अक्टूबर का जवाब जरूर दिया है, लेकिन इसराइल का मिशन यहीं रुकने वाला नहीं है। इसराइल ईरान को मुसीबत में डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इसराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के कम 3 प्रांतों में 3 घंटे बारूद बरसाया, लेकिन ईरान से तबाही का कोई बड़ा वीडियो या सबूत सामने नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर इसराइल के सबसे बड़े हवाई हमले के तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने आग धमाके या तबाही के फोटो और वीडियो शेयर करने पर लगाम लगा दी। क्या ऐसा करके ईरान की सरकार सच छुपाना चाहती है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इसराइल के एयर अटैक में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इसराइल के हाथों एक बार फिर बड़ी चोट सहकर भी अपने घावों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीती रात हुए हमले के बारे में ईरान से अब तक जो कुछ पता चला है उससे कहीं ज्यादा ईरान की सरकार ने छिपा लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती रात 3 घंटे में इसराइल ने ईरान पर 100 मिसाइलें दाग दी। सौ से ज्यादा फाइटर जेट्स ने चुन चुन कर ईरान के ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस और सैन्य डिपो तबाह किए। इसराइल ने दावा किया कि ईरान में जिन जिन ठिकानों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने देर रात ऑपरेशन चलाया वो पूरी तरह सफल रहा। लेकिन ईरान से तबाही के गिने चुने वीडियो ही सामने आए हैं। शक की दूसरी वजह है ईरान पर इसराइल के सबसे बड़े हमले के बाद ईरान की सरकार का एक फैसला।
इसराइल पर हमले के तुरंत बाद ईरान की मसूद पजशकियान सरकार ने आग या हमले से जुड़े किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने या शेयर करने पर पाबंदी लगा दी है। सोशल मीडिया पर आग या हमले से जुड़े किसी भी वीडियो को अपलोड करने पर पाबंदी कितनी सख्ती से लागू की गई है, इसे इसी फैसले से समझिए कि अगर कोई ईरानी नागरिक ऐसा करता मिला तो उसे 10 साल की सजा दी जाएगी। अगर कोई वीडियो इसराइल या ईरान के किसी दुश्मन देश तक पहुंचाने का आरोप साबित हुआ तो इसे देशद्रोह मानकर फांसी तक हो सकती है। ईरान की सरकार ने वीडियो अपलोड करने के नए कानून को लेकर जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा है, मीडिया को कोई भी तस्वीर, वीडियो या खबर भेजना जो कि दुश्मन यहूदी शासन से संबंधित है एक अपराध माना जाएगा। इसे ईरान की शांति और सुरक्षा के खिलाफ ज़ायोनी शासन को मदद करना समझा जाएगा। ऐसा करने वाले को कानून के अनुच्छेद 6 और 8 के साथ साथ इस्लामी दंड संहिता की धारा 508 के अनुसार 10 साल तक जेल की सजा दी जाएगी। अपराधियों से निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा।